तो दोस्तों आज हम बात करेंगे HDFC बैंक के स्टॉक के बारे में। HDFC बैंक के स्टॉक में नेक्स्ट ट्रेडिंग वीक के लिए क्या सपोर्ट एंड रजिस्ट्रेशन देखने को मिल सकते हैं उसके बारे में आज इस वीडियो में बात करेंगे। हम अगर यहाँ पर स्टॉक की बात करें तो देखेंगे जो स्टॉक है ये हमको पिछले एक लंबे समय से यहाँ पर लगातार क्लियर डाउन ट्रेंड में देखने को मिल रहा है। हमको यहाँ पर स्टॉक में लगातार लोअर लो लोअर हाई वाला पैटर्न यहाँ पर देखने को मिल रहा है। आज भी हमको यहाँ पर स्टॉक में 0.66% की यहाँ पर गिरावट देखने को मिल रही है। आज की गिरावट से हमको यहाँ पर स्टॉक में ब्रेक डाउन देखने को मिल रहा है। ब्रेक डाउन की बात करें तो यहाँ पर 1558 के लेवल पर स्टॉक में यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट था, लेकिन आज स्टॉक ने यहाँ पर इस सपोर्ट को भी ब्रेक किया है। तो यहाँ से अभी हम स्टॉक की बात करें, यहाँ से अभी हमारे पास 1566 का नेक्स्ट यहाँ पर सपोर्ट देखने को मिलेगा। अगर स्टॉक यहाँ पर इसको यहाँ ब्रेक करता है देन यहाँ से हमको स्टॉक में अभी 1518, इसके बाद हमको यहाँ पर स्टॉक में 1492, और अगर स्टॉक यहाँ पर इसको यहाँ ब्रेक करेगा देन यहाँ से हमको स्टॉक में 1472, और उसके बाद हमको यहाँ पर स्टॉक है 1442 तक के लेवल से यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे ऐसा नेक्स्ट यहाँ पर सपोर्ट। वहीं यहाँ से अब अगर स्टॉक रिकवरी आती है तो यहाँ से अब रिकवरी की कंडीशन में हमारे पास यहाँ पर स्टॉक है 1558 का पहला यहाँ पर रजिस्टर देखने को मिल जाएगा। अगर स्टॉक यहाँ पर इसको ब्रेक करता है देन यहाँ से हमको स्टॉक है 1601, इसके बाद हमको यहाँ पर स्टॉक है 1659, और अगर स्टॉक ने यहाँ पर इसको ब्रेक किया देन यहाँ से हमको स्टॉक है 1707, और उसके बाद हमको यहाँ पर स्टॉक में अगेन 1759 तक के लेवल्स यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे ऐसा नेक्स्ट आपको सपोर्ट। तो स्टॉक में कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं, आप इन पर ध्यान दे सकते हैं। बाकी वीडियो में कोई बाय सेल होल्डिंग की सलाह नहीं है, वीडियो केवल एजुकेशनल पर्पज़ के लिए है। धन्यवाद।